अस्सलाम वालेकुम क्लास, पेज नंबर 50 पे मैंने क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, इज़ 12 अ फैक्टर ऑफ 36, यानी 12 के टेबल में 36 आता है तो इसका आंसर क्या है। यस, आपने 36 को 12 पे डिवाइड करके देखना है, ठीक है। 12 कितने ज़ा 36 होता है, 3 ज़ा 36 होता है। इसी तरह इज़ अ 7 फैक्टर ऑफ 45, 7 जो है 45 का फैक्टर है या नहीं है। 7 के टेबल में 45 नहीं आता, आपने नो लिखना है। इज़ 6 अ फैक्टर ऑफ 66, यस 6 11 ज़ा 66। 20 इज़ 20 अ फैक्टर ऑफ 100, यस 25 ज़ा 100। इज़ 16 अ फैक्टर ऑफ 64, यस 16 4 ज़ा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, कितने कितने फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मीन किस किस के टेबल में आ रहा है। अब 25 वन के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, तो कितने फैक्टर्स बन गए इसके, 3 फैक्टर्स बन गए। इसी तरह 36 देखें, 1 के टेबल में आता है, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36, तो टोटल कितने फैक्टर्स बन गए, 9 फैक्टर्स बन गए। इसी तरह 54 देखें किस किस के टेबल में आता है, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 एंड 54, तो कितने फैक्टर्स बन गए इसके, 8 फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फैक्टर्स ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर एंड अंडरलाइन द कॉमन फैक्टर्स। अब आपने 12 और 15 के फैक्टर्स लिखने हैं कि 12 और 15 किस किस के टेबल में आते हैं। अब 12 देखें, 1 के, 2 के, 3 के, 4, 6 और अपने टेबल में आता है, 15, 1, 3, 5। अब देखें 12 और 15 दोनों के अंदर कौन सा नंबर कॉमन है जिसके ऊपर दोनों नंबर जाते हैं, 3 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा, 3 होगा। इसी तरह 25 किसके टेबल में जाता है, 1 के टेबल में, 5 के टेबल में और 25 के टेबल में, 15 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में, तो इसमें दोनों नंबर किस एक कौन से एक टेबल पे जा रहे हैं, 5 के टेबल पे जा रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 5 है, ठीक है। अब हमारे पास है फाइंड द एच सी एफ ऑफ फॉलोइंग नंबर। अब हमें दो नंबर दिए हुए हैं, हमने उनका एच सी एफ फाइंड करना है। एच सी एफ क्या है, आपने फैक्टर्स देखने हैं, 32 के फैक्टर्स लिखने हैं कि किस किस के टेबल में जाता है, ये मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए हैं। 84 का भी इसी तरह लिखना है, किस किस के टेबल में जाता है, सारे फैक्टर्स देख लिए। अब आपने देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा और कॉमन कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर 12 था और दोनों के अंदर आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा, 12 होगा। इसी तरह 15 और 25 के भी आपने फैक्टर्स लिख लेने हैं, ठीक है। और आपने देखना सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे इन दोनों के अंदर कौन सा है जो दोनों टेबल्स में आ रहा है, दोनों नंबरों में आ रहा है, तो वो 25 है, यानी 25 50 के टेबल में भी 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 50 भी आता है और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 25 भी आता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 50 और 25 का, 25। इसी तरह आपने ये क्वेश्चन अपनी नीट कॉपी पे कर लेना है। थैंक यू।